हेलो एवरीवन, सीटेट 2024 आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आयु, योग्यता, फीस, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, फॉर्म कैसे फिल होगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर वन पेपर टू का, एग्जाम सेंटर कहाँ पर बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेंगी। तो चलिए, सबसे पहले जो है मेन वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंप्लीट डाला गया है, तो वहीं पर जो है हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये 40 पेजों की पीडीएफ फाइल है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024। जिन स्टूडेंट का सीटेट क्वालिफाई नहीं है अभी तक, तो बिल्कुल आप लोग जो है तैयारी करें सीटेट पेपर वन पेपर टू की। जिन स्टूडेंट ने डीलेड, बीटीसी, एसटीसी, बीएड कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी आती हैं जहां केवल सीटेट पास स्टूडेंट को ही जो है जॉब मिल पाती है। इसके अलावा अदर स्टेट की अगर हम बात करें, तो दूसरे राज्यों में आप लोग एग्जाम तभी दे पाते हैं जब आपके पास सीटेट की मार्कशीट होती है। तो इसीलिए जिनका क्वालिफाई नहीं है, तो बिल्कुल सीटेट का एग्जाम जो है नजदीक है, जनवरी में आप लोगों का एग्जाम होगा, और बहुत ही जो है आसान पेपर रहता है, इतना हार्ड नहीं होता है। सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मेन वेबसाइट पर जैसे ही आप जाकर देखेंगे, तो एक पब्लिक नोटिस आया है जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024। जैसे ही आवेदन आप करते हैं, सबसे पहले इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 3 नवंबर 2023 से लेकर 23 नवंबर 2023 तक चलने वाले हैं। लास्ट डेट जो है बता दी है, और फीस की लास्ट डेट भी जो है 23 नवंबर 2023 रात के जो है 12 बजे तक रहने वाला है। एग्जाम डेट जो है वो पहले से ही यहाँ पर लिख दी गई है 21 जनवरी 2024। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम रहेगा, पेपर पेन मोड रहेगा, क्योंकि एक ही डेट है। अगर ऑनलाइन होता तो डेट अलग अलग आती, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का एग्जाम ऑफलाइन ही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से जो है आप लोग आवेदन जो करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कैसे जो है आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, तो बिल्कुल स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले पे एग्जामिनेशन फीस जो है यहाँ क्या रहने वाली है, यहाँ पर जो है ओनली पेपर वन या पेपर टू के लिए जनरल या ओबीसी की 1000 रुपये है, SC ST की 500 रुपीज है। यदि आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो जनरल ओबीसी की 1200 है और SC ST की 600 रुपए। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के ये कंफ्यूजन रहेगा कि बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, तो पेपर वन वो क्यों देंगे। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बीएड वाले केवल पेपर टू ही जो है फॉर्म फिल करेंगे और पेपर टू का ही जो है एग्जाम देंगे। बट डीलेड वाले जो स्टूडेंट हैं, बीटीसी वाले जो स्टूडेंट हैं, बीएसटीसी वाले जो स्टूडेंट हैं, वे दोनों ही जो है एग्जाम दे सकते हैं। आपने अभी हाल ही में बिहार में जो एग्जाम लिया जाएगा, आवेदन जो है बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं, 32,000 के समथिंग जो है यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है जूनियर क्लासेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डीलेड, बीटीसी, बीएसटीसी वाले बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे 6th to 8th क्लास के लिए। तो उसके लिए जो है सीटेट पेपर टू जो है वो क्वालिफाई होना जरूरी है, चाहे वो बीएड वाला स्टूडेंट हो, चाहे डीलेड, बीटीसी, बीएसटीसी वाला स्टूडेंट हो, सीटेट पेपर टू क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसीलिए जो है यहाँ पर पेपर वन और पेपर टू दोनों ही जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, डीलेड वाले, बीटीसी, बीएसटीसी वाले। यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी यहाँ लिखी गई है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपियरिंग इन द सीटेट आर एज नोटिफाइड बाय एनसीटीई। यहाँ इन्होंने बोला है कि जो एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये डिसाइड करेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएड वाले जो हैं सीटेट पेपर टू देंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, डीलेड वाले स्टूडेंट, बीएसटीसी वाले स्टूडेंट, बीटीसी वाले स्टूडेंट, ये सभी जो हैं सीटेट पेपर वन और पेपर टू दोनों ही दे सकते हैं।
उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। यहाँ पर पेपर वन क्लास 1 to 5 के अध्यापक बनने के लिए प्राइमरी स्टेज के लिए 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें सीडीपी के क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, लैंग्वेज दो लैंग्वेज रहेंगी आपकी जो कि कंपलसरी रहेंगी 30-30 मार्क्स की, मैथ्स रहेगा 30 मार्क्स का, ईवीएस रहेगा 30 मार्क्स का। पेपर टू 6 to 8 क्लासेस के लिए यहाँ पर जो है 90 क्वेश्चन बिल्कुल समान रहेंगे, 30 क्वेश्चन सीडीपी के, लैंग्वेज वन 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज टू 30 क्वेश्चन जो कि कंपलसरी रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स या साइंस के जो स्टूडेंट हैं इनके 60 प्रश्न अलग रहेंगे और एसएस वालों के 60 प्रश्न अलग रहेंगे, ठीक है। सिलेबस जो है वह भी दिया हुआ है, कुल 20 भाषाओं में जो है ये एग्जाम करवाया जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नडा, ठीक है, ये सारी जो है 22 भाषाओं में एग्जाम करवाया जाएगा। सिलेबस जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके जो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो ये 1 to 5 का प्राइमरी स्टेज का है, सीडीपी का, सीडीपी का, उसके बाद लैंग्वेज का, मैथ्स का, ईवीएस का। नेक्स्ट 6 to 8 के लिए यहाँ पर सिलेबस है, सबसे पहले सीडीपी का है, उसके बाद जो है यहाँ पर सोशल स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए है, ऊपर जो है साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ था, उसके बाद जो है पैडागोजी के प्रश्न जो है यहाँ पर रहेंगे। एग्जाम सेंटर जो है कहाँ पर रहेगा, तो स्टेट और सिटी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो जल्द ही जो है अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके नजदीक जो है आप लोगों को सेंटर मिल पाएगा, ठीक है। जैसे आप हरियाणा के हैं, इसी तरीके से जो है यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश के जो है सिटी शहर जहां पर एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे काफी शहर हैं, तो जल्द ही आवेदन करेंगे आप लोग तो आपके नजदीक जो है आप लोगों को सेंटर मिलेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, सबसे पहले आप लोगों को सीटेट की जो मेन वेबसाइट है CTET.NIC.IN ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद जो भी स्टेप यहाँ पर लिखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। अपलोड स्कैन इमेज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, हर चीज जो है यहाँ पर लिखी गई है, तो ये बहुत बड़ी जो है पीडीएफ फाइल है। एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा यदि आपने किया है सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी स्टूडेंट डीलेड जिन्होंने किया है, डीएड किया है, बीटीसी किया है, बीएसटीसी किया है, तो वो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही दे पाएंगे। जो बीएड डिग्री धारी हैं तो वह केवल पेपर 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आवेदन करने से पहले आप लोग ये पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर पढ़ें, उसके बाद ही आवेदन करें। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये मेन वेबसाइट का जो है पब्लिक नोटिस यहाँ पर है, सेकंड नंबर पर ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024 लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है बिल्कुल पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट पेज पर जो है और भी चीजें हैं, दोबारा से जो है आप देख लें, 3 नवंबर से आवेदन स्टार्ट, लास्ट डेट 23 नवंबर, फीस की लास्ट डेट 23 नवंबर। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो इसकी भी डेट जो है यहाँ पर लिखी है, ऑनलाइन करेक्शन इफ एनी 28 नवंबर, ठीक है, से लेकर 2 दिसंबर तक। डाउनलोड एडमिट कार्ड तो यहाँ लिखा है कि 2 दिन पहले जो है, एग्जाम से 2 दिन पहले आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, और एग्जाम की डेट जो है 21 जनवरी है। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो फरवरी 2024 लिखा हुआ है। उसके बाद टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, तो पेपर जो है एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर में 7:30 बजे हो जाएगी, पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए 12 बजे हो जाएगी, यानी कि सारी चीजें इसमें डिटेल में लिखी हुई हैं, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे और उसके बाद ही आवेदन करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।